में एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो अपने परिवार के साथ अपनी छोटी सी जमीन पर कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसका जीवन लगातार चुनौतियों से भरा हुआ था। कभी सूखा पड़ता तो कभी बेमौसम बारिश से उसकी फसलें बर्बाद हो जाती थी। खेती से मुश्किल से गुजारा हो पाता था। इस आर्थिक संघर्ष की वजह से अक्सर उसके परिवार में झगड़े होते रहते थे। माधव का जीवन दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था। वह अक्सर सोचता था, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे जीवन में शांति नहीं है। इन समस्याओं ने उसे बहुत परेशान कर दिया। हर रात वह भगवान से अपने कष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना करता, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के पास आए हैं और उपदेश दे रहे हैं। गाँव वाले उनसे मिलने जा रहे हैं और कई लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर माधव ने सोचा, शायद बुद्ध मेरी समस्याओं का समाधान खोजने में मेरी मदद कर सके। अगली सुबह उम्मीद से भरा हुआ माधव बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। जब वो पहुंचा तो उसने बुद्धिमान गुरु के सामने अपनी सारी परेशानियां बता दी। उसने कहा, गौतम बुद्ध, मैं एक साधारण किसान हूँ। मैं दिन रात काम करता हूँ, लेकिन कभी मौसम खराब हो जाता है तो कभी मेरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। मेरा परिवार हमेशा लड़ता रहता है और कोई मेरी बात नहीं सुनता। मेरा जीवन समस्याओं से भरा पड़ा है। क्या आप मुझे इन सभी कठिनाइयों का समाधान बता सकते हैं? माधव की बात सुनकर बुद्ध कुछ पल चुप रहे, फिर एक सौम्य मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, माधव, मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। हर व्यक्ति के जीवन में इतनी समस्याएं हैं और ये समस्याएं हमेशा रहेंगी। अगर तुम एक का समाधान करोगे तो दूसरी उसकी जगह ले लेगी। माधव चौंक गया और उसने पूछा, गौतम बुद्ध, क्या इसका मतलब यह है कि मैं हमेशा इन परेशानियों के साथ जीऊंगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं माधव, जीवन में हमेशा अतिथि समस्याएं रहेंगी, लेकिन तुम्हारी असली समस्या अतिछर्वी समस्या है। उत्सुकतावश माधव ने पूछा, वी समस्या, वह क्या है? बुद्ध ने शांति से समझाया, अतिफोरवी समस्या यह है कि आप जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते हैं। जब आप स्वीकार कर लेंगे कि समस्याएं जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं, तो आप उनसे भागना बंद कर देंगे। जब आपका मन समझ जाएगा कि आपको चुनौतियों के साथ जीना है, तभी आपको सच्ची शांति और समाधान मिलेगा। बुद्ध के शब्दों ने माधव को गहराई से छुआ। उसे एहसास हुआ कि जीवन की कठिनाइयों से भागने के बजाय उसे उन्हें स्वीकार करना चाहिए और समझदारी से उनका सामना करना चाहिए। उस दिन के बाद से माधव ने जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दिया और पहले से कहीं अधिक शांतिपूर्ण और संतुलित महसूस करने लगा। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा ने माधव को जीवन में एक नई दिशा दी। उसने अपनी समस्याओं के बीच भी आनंद और संतोष के साथ जीने का तरीका खोज लिया। तो दोस्तों, कैसे लगा वीडियो कमेंट कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला कहानी किस विषय में चाहिए ये कॉमेंट कीजिए।